पाकिस्तान की टीम आगे कहां से बढ़ेगी जब उनके कोच साहब ही बाहर घूम रहे हैं? पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2023 कैसे जीतेगी जब उनका कोच ही किसी और को सिखाने में व्यस्त हो रखा है? ये इल्जाम हम नहीं, ये इल्जाम टीम इंडिया नहीं, टीम पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने लगाया है। कौन है वो पूर्व क्रिकेटर, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। दरअसल पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में एशिया कप 2023 का महामुकाबला चल रहा है। ये मुकाबला पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को 17 तारीख को टीम इंडिया के खिलाफ खेलना है तो भैया तैयारियां तो जोर शोर से करनी पड़ेंगी। आप जानते हैं किसी भी टीम की जो एक उम्मीद रहती है, किसी भी टीम का एक जो सहारा रहता है वो है उसका कोच। टीम इंडिया हमारे कोच के बिना कुछ नहीं है, राहुल द्रविड़ के बिना कुछ नहीं है, वैसे ही पाकिस्तान की टीम मिकी आर्थर जो कि पाकिस्तान के कोच साहब है उनके बिना कुछ नहीं है। बट यहाँ पे थोड़ा सा कैच ये है कि भैया मिकी आर्थर जो है डर्बशायर जो उनकी काउंटी टीम है उसके लिए प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। इसी चीज पर अब वसीम अकरम ने सवाल और बहुत सारी चीजें उठा दी है। वसीम अकरम ने इस चीज पर कहा है कमेंट्री के दौरान कि देखिए पाकिस्तान की टीम आगे कहां से बढ़ेगी, कहां से ग्रो करेगी, कहां से एशिया कप जीतेगी, जबकि उनका जो कोच है यानी जो मिकी आर्थर है वो डर्बशायर में बैठकर डर्बशायर की तरफ से ट्वीट्स पे ट्वीट्स करे जा रहे हैं। यानी इनको पाकिस्तान वालों से कोई लेना देना नहीं है, इनको बस काउंटी क्रिकेट से लेना देना। और आपको याद होगा बीच में जो खबर आई थी कि मिकी आर्थर जो है ऑनलाइन कोचिंग देंगे, आपने कभी ऑनलाइन कोचिंग वाला कॉन्सेप्ट सुना है? कैसे आप बताएंगे कि आप वहां खड़े होइए, आप मोहम्मद रिजवान वहां खड़े होइए, बाबर आजम आप वहां खड़े होंगे? नहीं, ये थोड़ा सा अटपटा कॉन्सेप्ट है। और ऐसी चीजें जो है पाकिस्तान में देखने को मिल सकती है, कुदरत का निजाम है, पाकिस्तान में हर चीज पॉसिबल है। इसी चीज पर वसीम अकरम ने जो कुछ कहा सही कहा, क्योंकि एक टीम को अगर बांध के रखना है तो कोच का जरूरी है कि उस टीम पर ध्यान दिया जाए, जबकि जो कोच है वो वहां काउंटी क्रिकेट में मौज ले रहे हैं और इनको पाकिस्तान की टीम से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अब आप बताइए वसीम अकरम की बात से क्या आप सहमति रखते हैं, कि आपको भी लगता है कि मिकी आर्थर को वहां नहीं यहां होना चाहिए, पाकिस्तान टीम के साथ होना चाहिए, या फिर ठीक है चलता है, पाकिस्तान वैसे भी एशिया कप नहीं जीत रही, चलता है सारी चीजें? कमेंट्स करके मुझे अपनी राय इसमें जरूर बताइए।